सेवा जोहार 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 खड़ा बीन जंगम मीडिया। आइए दोस्तों, आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगम मीडिया। तो लिंगो टीवी जंगम मीडिया में आज हम बात करेंगे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आज हम आपके लिए एक नई विशेष जानकारी लेके आए हैं, एक विशेष पौधा जो विशेष जड़ी बूटी, जिसको हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में कई ऐसे अनेकों बीमारियों में उसके उपचार के लिए, बीमारी के निदान के लिए, रोगों के निदान के लिए किया जाता है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आपको शॉर्ट कट में जानकारी दूंगा और सही जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं हर लोगों को यही बताता हूं कि कई लोग ऐसे मानसिकता होंगे कि मेडिसिन का समय है, ऐसे समय एक आए कलिंगो जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को, ये बता रहे हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि जो मेरे अनुभव है, जिससे हमारे लोगों की मानव सद्भावना की, मानव सेवा की जो भावना है हमारे अंदर, और जिसको हम उपयोग करते हैं और जो अनुभव है, उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। यह कोई बनी बनाई बात नहीं है। पुरखों के द्वारा जो परंपरागत व्यवस्था नाड़ी विद्या हमारी चलती थी रोग निदान के लिए, उस नाड़ी विद्या में हम जड़ी बूटी का उपयोग करते थे, और जड़ी बूटी उपयोग करते थे तो धनित्तर जो हमारे गुरु हुए हैं, मुठुआ हुए हैं, धनित्तर को मानते, इसलिए हम धनित्तर जड़ी बूटी के विद्या के बारे में आपको बात करेंगे। तो आज हम धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में एक विशेष पौधा, ये देखिए मैं इसको उखाड़ लिया हूँ, उखाड़ के लाया हूँ, ये देखिए, इसको कहते हैं गंधक बूटी। ये गंधक बूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत गंध होता है, इसके गंभीर गंधक होता है, इसके अंदर बहुत सुगंध होता है। जिस प्रकार से गांजा जो होता है ना, गांजा का होता है चरस गांजा, उसी प्रकार से ये गंधक बूटी है। आप ना इसको ऐसे करके ऐसे करो तो मन मस्तिष्क एकदम सुन्न हो जाता है, ऐसा गंधक बूटी इसका नाम ही है। गंधक बूटी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में क्षेत्रीय में भी इसको गंधक बूटी कहते हैं। अब लोगों को जंगल का ऐसे घास लगता है, जंगल का खरपतवार कचरा लगता है, लेकिन यह गंधक बूटी है। अब इसका उपयोग हम हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में बवासीर, जैसे आज के समय में बवासीर हो गए, पेट में जलन होना बवासीर का परेशानी है, या फिर भंगदर का परेशानी है, तो इसका उपयोग पहले। दूसरी बात, अगर किसी को घाव हो गया बाहर में, त्वचा में, शरीर में घाव हो गया, जैसे बाल तोड़ वगैरह हो गया, जिसको अगिया बोलते हैं, बाल तोड़ वगैरह घाव हो गया, या फिर और कहीं ममाद बन रहा है, घाव हो गया है, पीप निकल रहा है, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग की विधि, जब आप बवासीर और भंगदर में उपयोग, बवासीर में उपयोग करेंगे तो बवासीर और भंगदर में उपयोग करेंगे तो इसका पूरा पंचांग जो है, इसका जड़ से लेकर के पेड़ पत्ते फूल पत्ती सब सहित, इसको आपको क्या करना है, चूर्ण बना लेना है, और पुराने गुड़ के साथ गोली बना के 10 ग्राम नित प्रति खाली पेट में सेवन करना है, तो बवासीर की परेशानी, भंगदर की परेशानी दूर जाएगी। दूसरी बात, खूनी बवासीर हो, चाहे मस्सा वाला बवासीर होगा, तो इसकी पत्तियों को आप, जैसे गुदा द्वार में घाव हो गया है, मस्सा हो गया है, तो इसको आप पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको हल्का से पानी में गर्म कर लीजिए, थोड़ा से गुनगुना, और उस गुदा द्वार में जो मस्सा है वहाँ पे आप लगाइए इसको, तो मस्सा भी दूर हो जाएगा और खून आता है तो खाने से खूनी बवासीर दूर हो जाएगा। इस प्रकार से बवासीर में इसका उपयोग करते हैं। अब बवासीर के जो रोगी हैं, तो बवासीर के रोगी को परहेज करना पड़ेगा। कैसा परहेज, कि बवासीर के रोगी को ये करना पड़ेगा, तेल और मिर्ची तेज नहीं खाना, सिंपल रूप से, साधारण रूप से खाना है और इसका उपयोग करना है। इसके बाद आपको बवासीर की परेशानी कभी नहीं होगी और दूर हो जाएगी। इस प्रकार से बवासीर में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात, अब इसको घाव में उपयोग करना है तो आप इसकी पत्तियों को क्या कर लीजिए, पीस लीजिए, और पत्तियों को पीस के गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद सहने लायक गर्म करने के बाद उसको निकालिए, और जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे इसको लगा दीजिए, थोड़ा से ऐसे लगे शरीर में, ऐसे गर्म लगे, ऐसे इसको लगा दीजिए और उसको कपड़े में बांध दीजिए, बाल तोड़ जैसे बीमारी, वो जो घाव है आपके शरीर में कभी नहीं होगी। दूसरी बात, ये खाज खुजली में भी इसका उपयोग करते हैं, फोड़ा फुंसी खाज खुजली में भी इसका उपयोग करते हैं, उसमें उपयोग करना है तो आपको क्या करना है कि इसको पीस के अलसी के तेल या सरसों के तेल या फिर करंज के तेल, जिसको उपयोग होता है करंज के तेल वगैरह होता है, वो करंज के तेल में, ये तीनों में से कोई भी तेल में आप इसको उबाल लीजिए, उबालने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद उसको आप कोई भी ऐसे सीसी वगैरह डब्बा वगैरह में रख लीजिए, उसके बाद आप उसको नित्य उस घाव में लगाइए, आपका
थोड़ा फुंसी खास खुजले फिर दूर हो जाएगा। इस प्रकार से ये छोटा सा झाड़ी, छोटा सा ये देखिए बूटी का उपयोग, गंधक बूटी का उपयोग हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो भाई हमारे लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आने वाली हर वो नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मैं फड़ा पेन से यही विनती, ये जुहार करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके कुटुम्ब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें। आप सभी को सेवा जुहार, सेवा गुणवाना, जुहार गुणवाना, फूल गुणवाना। जय लंकेश।